और अगर पहला फैसला जो लिया गया था तो उसमें भी कैबिनेट के तमाम मंत्री बैठे थे और एडिशनल डीसी का दफ्तर कोटरंका के लिए आया था। आज अगर रोटेशनल बेसिस पे कोटरंका से एडिशनल डीसी का दफ्तर को उठाया गया है तो उसमें भी कैबिनेट मिलकर उसने ये फैसला लिया है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि उस कैबिनेट में कौन लोग थे कि जिन्होंने इस फैसले को मंजूरी दी, उस कैबिनेट में कौन लोग बैठे थे कि जिन्होंने इस फैसले को कहा कि ठीक है कोटरंका के साथ बदसलूकी होती है तो होने दो। मेरे साथियों, मैं एक कोटरंका का आम शहरी होने के नाते मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर कांग्रेस के वजह से नहीं आया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर मेरी पार्टी सरकार में होती तो मैं उसके खिलाफ भी प्रदर्शन करता, मैं उसके खिलाफ भी बोलता। जहाँ लोगों के हक की बात होगी वहां हम सबसे पहले आगे खड़े होंगे। साथियों, जहां से असली माफिस को एक कंस्पिरेसी के तहत उठाया गया, बेहतर तो यह